सर की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है वक्त आने दे तुझे हम बता देंगे आय आसमा हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है नमस्कार दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 जनवरी के करंट अफेयर पर देखिए आज इस वीडियो में टोटल हम 13 करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपसे पांच क्वेश्चन अभी भी पूछाएंगे तो आपको इन पांचों प्रश्नों का जवाब देना है तो शुरू से लास्ट वीडियो को ध्यान से देखिए इस वीडियो को पूरा रखने बाद आप इसका पीडीएफ भी पी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज के करंट अफेयर के पी डी लिंक मिल जाएगी और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर देगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखे इससे लाभान्वित हो सके और देखिए मैंने अन अकेडमी भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले आपको जो है अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा विजय गुप्ता थ्री सिक्स नाइन जीरो तो आपको जो है मेरी आईडी मिल जाएगी वहाँ पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे ऑनलाइन सभी फ्री कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखी है आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी आई मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे जो है फॉलो कर लीजिए अन एकेडेडी तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर से सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडे के सही उत्तरों की देखिए कल के क्वेश्चन अपडे का पहला प्रश्न है कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है तो देखिए भारत इस सूचकांक में अस्सीवें स्थान पर है और दूसरा प्रश्न था कि किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को आई का पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ईयर दो चुना गया है तो देखिए ये क्रिकेटर हैं आपके ऋषभ पंत और देखिए अगला था कि हाल ही में रघबीर सिंह भोला का निधन हो गया वह किस खेल से संबंधित थे तो देखिए जो आपके रघबीर सिंह भोला है आपके, आपके जो है ये हॉकी से संबंधित थे और नेक्स्ट आपका कि 26 ग्यारह के 10 वर्ष बाद भारतीय नौसेना ने भारतीय तट पर किस सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास को शुरू किया है तो देखिए इस तटीय रक्षा अभ्यास का नाम है सी विजिल और अगला था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव घोषित किया तो देखिए ये राज्य आपका है अरुणाचल प्रदेश और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया है तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं तेंकु अब्दुल्ला शाह तो आपको याद रखना है कि तेंकू अब्दुल्ला शाह हाल ही में मलेशिया के नए राजा चुने गए हैं और देखिए जो आपके तेंकू अब्दुल्ला शाह हैं इन्होंने इस पद पर अपने पिता सुल्तान अहमद शाह की जगह ली है तो ये खास बात आपको याद रखनी है देखिए जो आपके सुल्तान अहमद शाह हैं जो कि तेंकू अब्दुल्ला शाह के पिता हैं ठीक है इनका बिहारी में एक रसियन सुंदरी के साथ अफेयर चल रहा था तो उन्होंने जो है कहा कि भैया तुम तो अपना राजपाट संभालो हम चले इस सुंदरी के साथ तो इसीलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया काफ़ी चर्चा में आ गए थे हाईलाइटेड हो गए थे तो अभी आपको याद रखना है एक लाइन में कि तेंकू अब्दुल्ला शाह जो है ये बिहारी में मलेशिया के नए राजा चुने गए हैं और देखिए अब थोड़ा सा मलेशिया की बात कर लेते हैं देखिए जो आपका मलेशिया है इसकी कैपिटल है कोला लामपुर और मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगित और देखिए दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष पच्चीस जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो देखिए पच्चीस जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और सबसे विशेष बात यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इस बार 25 जनवरी 2019 को नौवा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है और देखिए जो आपका ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इसको मनाने की शुरुआत साल 2011 में 25 जनवरी को की गई थी और इस बार की थीम क्या है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो देखिए इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड यानी कि कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए तो ये सभी खास बातें आपको याद रखनी है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में ठीक है और देखिए तीसरा प्रश्न है कि मित्रो मरजानी डार से बिछुड़ी जिंदगी नामा ए लड़की यारों के यार तीन पहाड़ दिलो दानिश जिंदा रुख नामक लेख के लेख जो है ये किसके द्वारा लिखे गए हैं तो देखिए ये सभी लेख लिखे गए हैं कृष्णा सोबती के द्वारा और अभी हाल ही में कृष्णा सोबती का निधन हो गया है तो फिर से बता दूं कि जो आपकी कृष्णा सोबती इनका अभी ही में निधन हो गया है इनके प्रमुख लेख थे मित्रो मरजानी डार से बिछुड़ी जिंदगी नामा ए लड़की यारों के यार तीन पहाड़ दिलो दानिश और जिंदा रुख और देखिए जो आपकी ये कृष्णा सोबती हैं ठीक है ये प्राख्यात हिंदी लेखिका और निबंधकार थीं और ये जो है साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों की विजेता थीं और इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था लेकिन इन्होंने जो है इसको लेने से अस्वीकार कर दिया था ठीक है इसको लिया नहीं था तो ये सभी खास बातें आपको कृष्णा सोबती के बारे में याद रखना है लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि अभियाली में इनका निधन हो गया है और देखिए चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को विमानन क्षेत्र की कंपनी इंडिगो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है तो देखिए ये देखिये आपके हैं रोनो जाय दत्ता तो आपको याद रखना है कि रोनो जाय दत्ता को हाल ही में विमानन क्षेत्र की कंपनी इंडिगो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है और देखिए जो आपके रोनो जाय दत्ता है इन्होंने इस पद पर अंतरिम सीओ राहुल भाटिया की जगह ली है और जो आपके रोनू जाय दत्ता हैं ये इससे पहले यूनाइटेड एयरलाइंस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे तो ये सभी खास बातें इनके बारे में याद रखेगा लेकिन सबसे पहले याद रहा कि रोनू जाय दत्ता को हाल ही में विमानन क्षेत्र की कंपनी इंडिको का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है और देखिए थोड़ी सी हम इंडिको के बारे में बात कर लेते हैं देखिए जो आपका इंडिको कंपनी टिक है इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में और इसकी जो पेरेंट कंपनी है इसका नाम है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड पांचवा प्रश्न है कि पच्चीस जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है तो देखिए पच्चीस जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और देखिए कल मैंने बताया था कि चौबीस जनवरी को ठीक है चौबीस जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया हाल ही में तो आप जो है कल का वीडियो देख के रिवाइज कर करेगा ठीक है तो अभी आपको क्या रखना है कि 25 जनवरी को जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है इसका स्थापना दिवस मनाया गया ठीक है और देखिए केंद्र सरकार ने 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दिया था और इस तरह जो आपका हिमाचल प्रदेश था ये आपका 25 जनवरी 1971 को भारत का अट्ठा राज्य बना था अब थोड़ा सा हम और डिटेल में बात कर लेते हैं कैसे कैसे क्या घटनाएं हुई हिमाचल प्रदेश के साथ देखिए जो आपका हिमाचल प्रदेश है इसका इतिहास क्या है देखिए पंद्रह अप्रैल उन्नीस को हिमाचल प्रदेश भाई ये अस्तित्व में आया था और 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को पारसी स्टेट का दर्जा मिला और साथ ही एक, एक जुलाई उन्नीस को जो आपका बिलासपुर है तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना और एक नवंबर उन्नीस को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और उसके बाद क्या हुआ फिर एक नवंबर उन्नीस को पंजाब के कई हिस्सों को कांगड़ा समेत हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था और फिर 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया और फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो ये सभी खास बातें हिमाचल ही प्रदेश के बारे में नोट कर लिए अगर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं बाकी अगर आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको दो चीज़ याद रखनी है हिमाचल प्रदेश जो है इसको एक नवंबर उन्नीस को जो है केंद्र शासित प्रदेश का बनाया गया था और फिर बाद में जो है फिर पच्चीस जनवरी उन्नीस को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और देखिए छठा प्रश्न है कि किस राज्य द्वारा स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए जाने की घोषणा की गई है तो देखिए ये राज्य आपका है तेलंगाना तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो आपका तेलंगाना राज्य है इसने स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए जाने की घोषणा की है और देखिए तेलंगाना की जो सरकार है इसने राज्य में स्थित अभ्यारण्य में बाघ की संख्या बढ़ाने और उनके संरक्षण के मद्देनजर ये फैसला किया है तो आपको ये सभी खास बातें याद रखनी है सबसे पहले याद रखना है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित किए जाने की घोषणा की है और देखिए तेलंगाना पे थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं देखिए तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं ई एस एल नरसिम्हन और ये सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2019, 2019 रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस डब्ल्यूस 2019 दो रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा तो देखिए ये देश आपका है भारत तो आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा चुका है और फिर से पूछा जाएगा क्योंकि फिर से एक बार 2019 और 20 में जो है भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जो है बना रहेगा तो ये हमारे लिए गौरव की बात है और देखिए हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की इसने ये रिपोर्ट दिया है देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस है इसके स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में तो आपको ये सभी चीज़ें यूनाइटेड नेशन के बारे में याद रखनी है और देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को अभी आपको जो है क्या करना है लाइक कर देना है और लाइक करने के बाद जो है इसको शेयर कर देना है ठीक है तो ये काम कर दीजिएगा तो अभी इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी छात्र जो है इससे फायदा ले सके ठीक है और देखिए आठवां प्रश्न है कि भारत ने 2030 तक अपने परिवहन प्रणाली को ई वाहनों पर निर्भर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है तो देखिए देश आपका है चीन यानी कि चाइना तो फिर से बता दूं कि भारत ने 2030 तक अपनी परिवहन प्रणाली को ई वाहनों पर निर्भर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हाल ही में चीन को जो है आमंत्रित किया है और देखिए जो नीति आयोग के प्रधान सलाहकार हैं इनका नाम है अनिल श्रीवास्तव ठीक है इन्होंने अभी हाल ही में चाइना के जो है ई वी हंड्रेड के अध्यक्ष चेन क्विंग ताई से मुलाकात की और चीनी कंपनियों को भारत में बुर्दया ई वाहन प्रणाली के लक्ष्य में भागीदार बनने का उन्होंने न्यौता दिया और देखिए जो आपकी ये चीन की कंपनी इसका नाम है ई वी हंड्रेड तो देखिए जो आपकी चाइना की कंपनी है ई वी हंड्रेड ये चाइना में यानी कि चीन में जो है निजी ई वाहन कंपनियों का एक संगठन है जो कि 200 से ज्यादा चीन की अहम ई वाहन कंपनियों का नेतृत्व करता है तो ये भारत सरकार का बहुत ही समझिए सराहनीय कदम है अब जो है जो आपके ई वाहन है ठीक है इनका प्रयोग होने लगा तो एयर पॉल्यूशन में जो है और जो आपके ये फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल इनका प्रयोग काफ़ी कम हो जाएगा तो एयर पॉल्यूशन में जो है बहुत कंट्रोल होगी ठीक है तो ये सभी खास बातें आपको याद रखना है कि सबसे पहले याद रखना है कि भारत ने दो तक अपनी परिवहन प्रणाली को देखिए यहाँ पे दो टारगेट भी याद रखेगा ठीक है तो दो तक अपनी परिवहन प्रणाली को ई वाहनों पर निर्भर बनाने के लिए हाल ही में चीन को जो है आमंत्रित किया ठीक है और इसके लिए स्पेशली इस जो चीन की कंपनी है ई वी हंड्रेड ठीक है इसको आमंत्रित किया गया है भारत में और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में कौन दो बार रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में एक हजार रन बनाने वाले पहले बदलेबाज बन गए हैं तो देखिए ये रिकॉर्ड जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और क्रिकेट से जुड़े हुए कोई प्रश्न आप बात छोड़ा कीजिए क्योंकि वो निश्चित रूप से, से एग्जाम में पूछ जाते हैं तो देखिए इनका नाम है वसीम जाफर फिर से बता दूं कि वसीम जाफर जो है ये दो बार ठीक है दो बार रणजी ट्रॉफी के एक सीज़न में एक हज़ार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं भारत के और देखिए जो आपकी वसीम जाफर हैं इन्होंने पहली बार ठीक है पहली बार 2008-09 के रणजी सीजन में मुंबई की तरफ से खेलते हुए 1260 रन बनाए थे और इस बार जो है इन्होंने दूसरी बार जो आपका विदर्भ है ठीक है तो विदर्भ की टीम की तरफ से खेलते हुए इन्होंने दूसरी बार जो है एक सीजन में एक रन बनाने का कारनामा करके जो है इतिहास रचा है और इसी के साथ जो है इन्होंने दो बार एक हजार का जो है आंकड़ा पार किया बल्लेबाज बन गए हैं और देखिए दसवा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के शीर्षक के साथ एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है इस पुरस्कार स्वरूप कितने लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा तो देखिए इसके स्वरूप जो है पुरस्कार स्वरूप टोटल इक्यावन लाख रुपये का जो है नगद पुरस्कार दिया जाएगा और देखिए कई सारे और भी फैक्ट हैं इस पुरस्कार से जुड़े हुए तो सभी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न जो है इससे रिलेटेड गलत ना हो तो ध्यान सुने का सारे फैक्ट को देखिए सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के शीर्षक के साथ जो है एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है और इस पुरस्कार स्वरूप जो है टोटल इक्यावन लाख रुपये की नगद पुरस्कार राशि जो है प्रदान की जाएगी विजेता को और देखिए सबसे खास बात यह है कि जो आपका ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ठीक है इसकी घोषणा हर वर्ष तेईस जनवरी को की जाएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर और देखिए इस बार ये पुरस्कार किसको दिया गया यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है देखिए इस बार का जो आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल की आठवीं बटालियन को जो है आपदा प्रबंधन में सराहनीय कार्य के लिए दिया जाएगा ठीक है और देखिए इस पुरस्कार स्वरूप जो है एक प्रमाण पत्र और इक्यावन लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी जो आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है इसको तो ये सभी खास बातें याद रखिएगा आप और देखिए ग्यारह प्रश्न है कि हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए हजारों कालम लिखने वाले और पी टेलीविजन कार्यक्रम मास्टर थिएटर की होस्ट करने वाले किस पुलिजर पुरस्कार विजेता का जो है निधन हो गया है तो देखिए इनका नाम है रसेल बेकर तो आपके ये रसेल बेकर जी हैं तो आपको फिर से बता दूं कि जो आपके रसेल बेकर हैं ठीक है इन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स में काम किया है और इन्होंने पी टेलीविजन कार्यक्रम मास्टर थिएटर में जो है होस्ट होस्ट का, का काम किया है और इनको जो है पुलिज्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है ठीक है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और देखिए जो आपके रसेल बेकर हैं इन्होंने 1979 में कमेंट्री के लिए पुरस्कार जीता था और एक रिकॉर्ड बना दिया है क्योंकि ये पुलिजर पुरस्कार जो खास लेखक को टिप्पणी के लिए पहली बार जो है दिया गया था तो ये खास बातें आपको याद रखना रसेल बेकर के बारे में बारहवा प्रश्न है हाल ही में किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बंगाली लेखक का निधन हो गया तो देखिए इनका नाम है अतिन बंदोपाध्याय तो आपको याद रखना कि अतिन बंदोपाध्याय जो ये एक बंगाली लेखक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था देखिए इन्हें जो है सन 2001 में पंचसती सती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्होंने कई दशकों के अपने शानदार करियर में नीलकंठ पाखिर खोजे अलौकिक जलयान नी, नील तिमी एकति जलरेखा जैसे लोकप्रिय उपन्यास लिखे थे देखिए मैं इन, इन, इन कोई भी लेखक को होता है उसके उपन्यासों के बारे में इतनी डिटेल में बताता हूँ देखिए कोई भी उपन्यास एग्जाम में उठा के पूछ लेता है पूछता है कि अभियाली में किस लेखक का निधन हो गया जिन्होंने जो है फला उपन्यास लिखा था तो, तो आपको जो है ये सारे उपन्यास और सारे लेखों के बारे में इनके याद रखना है ठीक है और देखिए जो आपका ये अतिन बंदोपाध्याय ठीक है इन्हें भारत भारसों के लिए उन्नीस में बंकिम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था तो सभी खास बातें आपको याद रखना है अतिन बंदोपाध्याय के बारे में लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि अतिन बंदोपाध्याय ये साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे और ये बंगाली लेखक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और तेरह प्रश्न है कि हाल ही में जोहान बोथा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है वो किस देश के खिलाड़ी थे तो देखिए जो आपके जोहान बोथा हैं ये आपके दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे और इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है और देखिए जो आपके जोहान बोथा हैं इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 2005 से 2012 तक पांच टेस्ट मैच अठहत्तर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 40 टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे तो इनके बारे में सभी डिटेल याद रखेगा लेकिन सबसे पहले क्या रखना कि जोहान बोथा जो है दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर थे और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है और देखिए हम साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं देखिए साउथ अफ्रीका के बारे में सबसे खास बात इस बार क्या है कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं है लामापोसा इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह के जो है मुख्य अतिथि हैं है इसको आप याद रखिएगा और साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड तो साउथ अफ्रीका के बारे में सभी खास बातें याद रखनी है तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडे पे देखिए आज के क्वेश्चन अपडे का पहला प्रश्न है कि भारत के छात्रों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे हाल ही में इसरो ने प्रक्षेपित किया है तो इस सैटेलाइट का नाम बताइए इसके बारे में कल डिटेल में बताया था देखिए कल का अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट था कल मैंने जो है टोटल सोलह करंट अफेयर बताए थे आपको ठीक है तो सोलहों के सोलह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे तो आप कल का करेंट अफेयर देखिए उसको रिवाइज कर लीजिएगा और अगला प्रश्न आपके लिए कि किस साहित्यकार को हाल ही में सरस्वती सम्मान 2017 से नवाजा गया है तो इसका उत्तर बताइए और अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस व्यक्त को यस बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है तो इनका नाम जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट आपका है चौबीस जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो इसका उत्तर जल्दी से चौबीस जनवरी को हमने कौन सा दिवस मनाया है उसकी थीम भी बताइएगा आप और देखिए एक चीज और बताना इसके साथ में 24 जनवरी को अभी हाल ही में मैंने बताया था कल कि एक राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया गया ठीक है और वो दूसरा स्थापना दिवस था उस राज्य का तो उस राज्य का नाम भी बताइए उसके बारे में जितनी भी डिटेल आपको पता है वो सब बता दीजिए और अगला प्रश्न है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है तो इसका उत्तर बताइए ले कमेंट बॉक्स में तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर यही समाप्त हुआ है कल फिर मिलेंगे कल के करंट तो वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन को ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं और हमारा ट्विटर अकाउंट जो है इसको फॉलो करना चाहते हैं तो इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और अगर साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज लाइक करना चाहते हैं तो इन सबकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं और देखिए अन एकेडमी पर आप जरूर मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि मेरे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं और जल्दी मैं जो है बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस लॉन्च करूँगा जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है थैंक यू एंड हैव नाइस डे एंड जय हिंद